आईपीएल 2022 का 29वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस के बीच खेला जा रहा है, जहां आज गुजरात टाइटंस के कप्तान राशिद खान ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आज पहले बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम संघर्ष करती नजर आई, जहां टीम ने अपने पहले दो विकेट जल्दी गवा दिए, लेकिन उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ और अंबाती रायडू की शानदार साझेदारी के बदौलत टीम ने एक बड़ा स्कोर खड़ा किया। आपको बता दें कि जहां इस मैच में ऋतुराज ने अर्धशतकीय पारी खेली, तो वहीं अंबाती रायडू ने भी आज एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। आपको बता दें कि अंबाती रायडू ने आज शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने आईपीएल करियर के 4000 रन पूरे कर लिए हैं। आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले अंबाती रायडू 13वें बल्लेबाज हैं। उनसे पहले कई भारतीय बल्लेबाज भी ये कारनामा कर चुके हैं, लेकिन आज सिर्फ उन्होंने ये रिकॉर्ड ही अपने नाम नहीं किया है, बल्कि चेन्नई सुपर किंग्स की बिखरती हुई बल्लेबाजी को संभालते हुए आज अपनी टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाया है। उनके लिए ये पारी बहुत ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि लगातार अंबाती रायडू इस लीग में संघर्ष करते दिखाई दे रहे थे, लेकिन आज उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से सभी को काफी प्रभावित किया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।